प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 72 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर देश को चीतों का तोहफा दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर चुके हैं और आयोजन पूरी तरह से शुरू हो चुके हैं। चीन ने मुंबई 26/11 हमले के दोषी और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। इस प्रस्ताव का भारत ने भी समर्थन किया था। दरअसल साजिद मीर भारत के सबसे अधिक वांछित आतंकवादियों में से एक है और 2008 के मुंबई में हुए हमले का मुख्य साजिशकर्ता भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंधित समिति के अंतर्गत साजिद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाना था और उसे ब्लैकलिस्ट में डाला जाना था। अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव लाया गया था लेकिन चीन ने गुरुवार को इस पर रोक लगा दी। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी एजेंसी FBI पहले ही मीर मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर चुकी है। FBI ने मीर की गिरफ्तारी और दोष सिद्धि के लिए सूचना देने वाले के लिए 5 मिलियन तक का इनाम भी रखा हुआ है। दो नाबालिग लड़कियों का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से लखीमपुर खीरी में एक युवती पर हमला हुआ है। दरअसल लखीमपुर खीरी के भीरा में एक युवती के साथ दूसरे समुदाय के दो युवकों ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। लड़की ने इसका विरोध किया तो युवकों ने उससे मारपीट की जिससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है लेकिन लड़की जिंदगी की जंग हार गई। वहीं भीरा पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगी हुई है। आखिरकार मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही पुलिस हरकत में आई और मामले को संज्ञान में लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों महिलाओं के मामलों में कार्रवाई को लेकर पुलिस इतनी देर से जागती है? कब महिलाओं की रेप और हत्या जैसे मामले रुक पाएंगे? और आज तबीयत खराब होने से 3 बजे ले रहा हूँ। ये युवा गए थे अच्छे से, तबीयत 5 बजे तक इलाज हुआ था, 6 बजे के बाद यहाँ पे आए हैं। उसके बाद तबीयत खराब होने के बाद बच्चे बताई जा रही है, बच्चे का प्रमुख कारण के लिए पीएम को भेजा जाएगा, दूसरा हो गया बाद में हुआ। हाथरस दौरे पर पहुंचे राज्य स्तर मंत्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने प्राथमिक विद्यालय आंगनवाड़ी केंद्र वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया और जिले में चल रही आंगनवाड़ी कार्यों की समीक्षा की। राज्य बाल अधिकार संरक्षण अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सरकार हर प्रकार की लड़कियों को बाल शिक्षा अधिकार के लिए खड़ी है। लगभग 19 योजनाएं हैं जो बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए सरकार में लाई गई हैं। वहीं उनका कहना है कि किसी भी विद्यालय के 500 मीटर के अंदर तक गुटखा, बीड़ी, तंबाकू की दुकान नहीं होगी, ना स्कूल के आसपास आबकारी की कोई दुकान स्थापित की जाएगी। क्या पाया आदर्श के निरीक्षण में? मैंने छोटी मोटी जो अव्यवस्था थी उनके लिए निर्देश दे दिया गया कि इनको दुरुस्त कर लिया जाए। बाकी की संतोषजनक, क्योंकि अभी मेरा 2-3 जगह ही जाना हुआ है, संतोषजनक मुझे दिखाई दे रहा है। उसके लिए जो मुझे जानकारी आज लगी है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उनमें सरकार की 19 कायाकल्प योजनाएं चल रही है और उनका लाभ विद्यालय को हुआ है। विद्यालय जो पहले पुताई भी नहीं होती थी, फर्नीचर पर बैठने की व्यवस्था नहीं थी, आज वहाँ फर्नीचर भी लगा दिखाई देता है। वहाँ दिव्यांग का भी शौचालय है, वहाँ बालिका का भी शौचालय है, वहाँ बालक का भी शौचालय है, वहाँ टाइल भी बिछाए गए और एक पढ़ने का माहौल धीरे धीरे सरकार ने इम्प्रूव किया है। सहारनपुर में पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले अंतर्राज्यीय रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सहारनपुर के SSP डॉक्टर विपिन तारा ने प्रेसवार्ता में बताया कि थाना कुदबेशर पुलिस ने भारतीय जाली नोट बनाने वाले अंतर्राज्यीय रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, एक चिप जैसे कई चीजें बरामद हुई हैं। करके चलाने का प्रयास कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने उससे जो पूछताछ की उसमें उनके गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम सामने आए और उसी क्रम में आज ये इनके सदस्य दूसरे एक व्यक्ति हैं, ये पकड़े गए हैं। विकास नाम का ये अभियुक्त जो है, ये भी पूर्व के अभियुक्त के साथ में ये घटनाएं करता था। इनके गिरोह के अभी तक 5 सदस्य पूरे सामने आए हैं, जिनमें से 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और इनसे हमको पूछताछ में एक प्रिंटर, एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव और स्टाम्प पेपर और अन्य सामग्री मिली है, जिसका उपयोग ये नकली नोट बनाने में करते थे।
जो तरीका इनसे पूछताछ में सामने आया है उसमें पता चला है कि ये स्टाम्प पेपर को बीच में से काट के एक स्टाम्प पेपर को दो हिस्सा कर लेते थे और उसके जो दो हिस्सा करने के बाद उसमें 200 रुपए का जो तार होता है, जो टेप लगी होती है 200 रुपए के अंदर, उसको काट के उसको 2000 के नोट में लगा के उसका वाटरमार्क का प्रिंट निकाल के और फिर उसको चिपकाने के बाद उसका कलर प्रिंट करके ये नोट पूरा तैयार करते थे और इसको ये इस्तेमाल करते थे। कासगंज के डोलना में दलित युवक को संदिग्ध हालत में गोली लग गई। गोली लगने को लेकर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया। आपको बता दें कि पीड़ित युवक ने करीब 1.5 महीने पहले दूसरी जाति की लड़की से शादी की थी। शादी के बाद घायल युवक को जयपुर रह रहा था। शादी करने के बाद पहली बार युवक घर आ रहा था, इसी बीच उसे किसी ने गोली मार दी। आगरा में विदेशी जोड़े ने हिंदुस्तानी रीति रिवाज से शादी रचाई है। दरअसल मैक्सिको के रहने वाले सेरमिको और क्लाउडिया ने ताज की गवाही में फेरे लिए हैं। वह इनकी बारात रिक्शे से आई। बारात में मेहमानों के तौर पर टूरिस्ट गाइड ड्राइवर रहे। पीलीभीत में डीएम पुलकित खरे ने बिलसांटा ब्लॉक में निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान सरकारी जूनियर विद्यालय में पुस्तकालय, शौचालय, पानी सहित तमाम व्यवस्थाएं मिलने पर डीएम ने वित्त चार्ज पर रहे अध्यापक सूरजपाल को निलंबित कर दो सचिवों पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम मोदी नीबिया से आए 8 चीतों में से 3 को मध्य प्रदेश के कूनो पालकू नेशनल पार्क में बने क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ रहे हैं। इन चीतों को विशेष विमान के जरिए ग्वालियर एयरपोर्ट लाया गया है। यहां से चिनूक हेलीकॉप्टर से इन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। पीएम मोदी स्व सहायता समूह सम्मेलन में भी शिरकत करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी कूनो नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं और वहां पर देश के नाम एक संबोधन भी उनका जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां उप मुख्यमंत्री ने ब्लड बैंक यूनिट का उद्घाटन किया। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रक्तदान भी किया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।